अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हेलो नमस्कार, जय जिनेन, वेलकम टू आशा किचन कॉर्नर। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर एंड कॉमन रेसिपी, इंडियन ब्रेकफास्ट पोहा। ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और हर कोई इसे पसंद करता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। मैंने लिया है 250 ग्राम पोहा। पोहा मोटा पतला दो साइड में आता है। अगर पोहा आपका पतला है तो उसको बहुत ही कम टाइम के लिए पानी में सोक करना है, और अगर थोड़ा मोटा है तो इसको लगभग 1 मिनट के लिए पानी में डिप करके छोड़ दीजिए और फिर स्ट्रेनर में डाल करके इसका सारा पानी अच्छे से निकाल दीजिए। देखिए पानी बिल्कुल ना रहे। जब पानी पूरी तरह निकल जाए तब पोहे को किसी चम्मच की सहायता से अच्छे से फैला लीजिए, जिससे इसके दाने दाने अलग हो जाएं और आपस में चिपके ना रहें। अब इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक। साथ ही आधा लेमन का जूस। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। नींबू और चीनी का यूज करने से पोहा खट्टा मीठा बनेगा जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इनको मिला के थोड़ी देर ढक के छोड़ दीजिए और साथ में डालना है इसमें थोड़ा सा पानी भी स्प्रिंकल कर दीजिए, जिससे ये तीनों आपस में अच्छे से घुल जाएं और पोहे में सोख हो जाएं। अब इसमें मैंने लिया है 1/4 कप मूँगफली, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 मीडियम साइज़ का आलू और ग्रीन चिली, कम या ज़्यादा जैसे भी आप चाहें ले सकते हैं। और गार्निशिंग के लिए मैंने लिया 1/2 लेमन, कुछ अनारदाने और धनिया पत्ती। पोहे को एक बार फिर से खोल करके अच्छे से हिला दीजिए, इसके दाने दाने आपस में खोल दीजिए, चिपके नहीं रहें, अदरवाइज पोहा पूरा आपस में चिपक जाएगा और खिला खिला नहीं बनेगा। अब कढ़ाई गरम करना है, इसमें डालना है 1 बड़े चम्मच ऑयल, साथ में 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड, 1/4 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून मोटी सौंफ। साथ में डाल दीजिए हरी मिर्ची। जब ये आपस में चटकने लगे तब डालना है मूंगफली और मीडियम फ्लेम पर मूंगफली दाने को थोड़ा रोस्ट कर लीजिए। जब मूंगफली के दाने चटकने लगे तब इसमें ऐड करना है प्याज, जिसको मैंने मीडियम साइज में कट कर लिया था। थोड़ी देर भूनिए प्याज को, फ्लेम को मीडियम रखिए। जब प्याज हल्की भुन जाए, ट्रांसपेरेंट दिखने लगे, तब इसमें ऐड कर दीजिए पोटैटो, इसे भी मैंने मीडियम साइज में कट कर लिया है। और थोड़ी देर चलाते रहिए। अब इसमें इसी के हिसाब से नमक डाल दीजिए। ढक करके आलू को कुक होने तक पकाना है। लगभग 2 मिनट बाद इसको खोल के चेक कर लीजिए। अगर आलू आपका इस तरह से टूटने लगा है तो आलू कुक हो गए हैं। ध्यान रखिए फ्लेम को इस टाइम लो रखना है। अब इसमें हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालना है। थोड़ी देर और चलाइए। अब फ्लेम को हाई कर लीजिए और डाल दीजिए इसमें पोहा और जल्दी जल्दी मिक्स कर लीजिए। पोहा बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है, इसलिए ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही कॉमन ऑप्शन है। इसमें मैंने हल्का सा पानी और डाल दिया है जिससे पोहा अंदर से एकदम सॉफ्ट हो जाए। इसको मिला दीजिए। थोड़ी देर अच्छे से चलाइए जिससे सारा इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाए और उसको लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए ढककर छोड़ दीजिए और लीजिए
गर्मा गर्म पोहा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म ही सर्विंग प्लेट में निकालिए और तुरंत सर्व कीजिए। पोहा ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है, इसलिए याद रखिए जब भी आपको खाना हो उसे उसी टाइम बनाइए और इसको ऊपर से गार्निश कर दीजिए। इसमें मैंने डाला है अनारदाने। भुजिया सेब, सेब आप अपने मनपसंद के कोई भी यूज कर सकते हैं। ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा नींबू का रस। एक दूसरी तरह से गार्निश करूंगी मैं। इसमें मैंने डाला है प्याज और बारीक चॉप किया हुआ टमाटर और साथ में डाला है भुजिया सेब और ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस डाल लीजिए। लीजिए पोहा रेडी है। आपको जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से गार्निश कीजिए और अपने हिसाब से अपनी पसंद से इसको एंजॉय कीजिए, इसको खाइए और ब्रेकफास्ट का मज़ा लीजिए। देखिए दोनों ही तरह से पोहे बड़े सुंदर लग रहे हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी न्यू रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।